नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी महाराज, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और 6 बार से लगातार सांसद हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा, सर विवादों को लेकर आप अक्सर चर्चा में रहते हैं, तो साक्षी महाराज जो है वो विवादों के पीछे भागते हैं या विवाद जो है वो साक्षी महाराज का पीछा नहीं छोड़ते? चौहान साहब, मैं जो कुछ भी कहता हूँ निर्विवादित कहता हूँ, कड़वा सत्य कहता हूँ। अब पता नहीं मीडिया वाले कैसे और लोग कैसे विवादित उसे समझ लेते हैं। जो मैंने कहा वो राष्ट्रहित में कहा, चाहे मैंने 4 बीवी 40 बच्चे का बयान दिया, चाहे मैंने लफ्ज जिहाद का बयान दिया। आप मेरा कोई भी एक बिंदु आप उठा के देखेंगे तो अंत में तो सारे राष्ट्र ने स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि जनसंख्या इस देश के लिए कभी भी विस्फोटक बन सकती है, सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन साक्षी महाराज बोलते हैं तो पता नहीं, तो मैं यही कहूँगा, मेरी हर बात की बोली लगाई जाती है, मेरी रूह बेपर्दा कर उठाई जाती है, जुल्म की इंतहा हो तो सबर भी करें, मेरे जख्मों से पट्टी हटाई जाती है। देखिए, ऐसा है कि आपके कई बयान जो आते हैं उन पर कई तरह की प्रतिक्रिया आती है, तो आज हम जो इंटरव्यू करेंगे उसमें हम इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। सर, आपका भी एक बयान आया था दिवाली का, अभी दिवाली का त्यौहार गुजरा है, दिवाली के बाद आपका एक बयान आया कि अगर बकरीद पर बकरे कटना बंद हो जाते हैं तो दिवाली पर पटाखे भी बंद हो जाएंगे। पटाखे तो एक पॉल्यूशन का मसला है ना सर, तो इसका संबंध क्या है सर बकरीद से? कितना पॉल्यूशन है जब आप बकरों को काटते हैं या किसी जीव को काटते हैं, तो एक तो हत्या होती है, वातावरण दूषित होता है, और दूसरा अगर इससे कितना पॉल्यूशन होता है तो आप गंगा के किनारे कानपुर आ जाइए। कानपुर की टैनरियां सरकार ने क्यों बंद की? क्योंकि चमड़ा का काम चलता था। फरखावा उन्नाव में हम लगे हुए हैं बूचड़खाने बंद कराने, क्यों? कि वह तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है, इतनी पॉल्यूशन हो जाता है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जनपद उन्नाव है, उसके कारण में यही कट्टी घर हैं। तो पॉल्यूशन को दूर करना है तो पॉल्यूशन जिस कारण से भी हो, चाहे बकरे के कारण हो, चाहे पटाखों के कारण हो या अन्य कारणों से हो, तो नंबर एक पॉल्यूशन को दूर करना ये जिम्मेदारी सरकार की। और फिर जलवायु शुद्ध कैसे हो, मैं इन्हीं कारणों से केवल टीवी पर नहीं बोलता हूँ, मैं जो सरकार की पर्यावरण स्थायी समिति है, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण स्थायी समिति, उसका जानबूझ करके मेंबर हूँ और समुद्दे वहाँ भी उठाता हूँ। आप एक जनपद को ले लीजिए, वहाँ पटाखे चलाइए, वहाँ पशुओं काटिए, किसके काटने से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, नंबर एक। नंबर दो, फिर जनपद में आप 6 महीने तक हवन करा दीजिए, पॉल्यूशन कंट्रोल होता है कि नहीं होता? तो सरकार सही रास्ते पर चले, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सही मार्गदर्शन करें, एक जनपद पर एग्जाम कर लीजिए, एग्जाम तौर पर एक जनपद संभाल लीजिए ना, अगर उसमें एक हवन आप करिए देखिए वायु शुद्ध होती है कि नहीं होती है। लेकिन जो सही काम है पता नहीं क्यों नहीं सरकारें करती, उसकी तरफ क्यों नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान जाता? आप खुद एक सांसद हैं, आप खुद सरकार में हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी आपकी नहीं सुनती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी ने मेरे कहने से मुझे वन पर्यावरण मंत्रालय का मेंबर बनाया है, और मैं उस बात को उठाता हूँ और उठाता हूँ, बात सरकार तक जाती है, पर कोई काम बहुत जल्दी नहीं होता है, पर मेरी सरकार मेरी बात पूरी सुनती है। तो मतलब कुल जमा बात यह है कि आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए, एक तरफ की बात ना हो, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। सर, आपका एक बयान और आया कि आबादी के हिसाब से, आबादी के अनुपात से कब्रिस्तान की जगह होनी चाहिए, ठीक है सर, ये बताइए आपको ये कैसे पता लगता है कि अनुपात के हिसाब से जो जगह है वो ज़्यादा ली जा रही है कब्रिस्तान के लिए, ये आंकड़े कहाँ से आपको मिलते हैं, आप इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। मैं आपसे उल्टा प्रश्न अगर करूँ कि किसी गाँव में 2 घर मुसलमानों के हैं
और सारी आबादी हिंदुओं की है, तो अगर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान हो और हिंदुओं को अपने खेत पर लाश जलानी पड़े तो क्या उचित है? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। ये दूसरा, किसी गांव में दो घर मुसलमानों के हों, दो घर हिंदुओं के हों और पूरी आबादी मुसलमानों की हो, तो उनके लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अनुपात का काम करना सरकार का, राजस्व विभाग का काम है। जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे तो उन्होंने किन अनुपात के आधार पर सारे उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवा दिए? तो हमारा आग्रह मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से है, और इसलिए है कि आपको शायद याद होगा जब चुनाव था लोकसभा का और 17 की विधानसभा का, तो साक्षी महाराज ने पहले कहा कि अगर कब्रिस्तान हो तो गांव में शमशान भी होना चाहिए। मोदी जी ने, योगी जी ने उसको जोड़ा कि अगर कब्रिस्तान हो तो पास में शमशान भी होना चाहिए। अकेले साक्षी महाराज नहीं कहा, योगी जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो मैंने अभी याद दिलाने की कोशिश की कि 2022 आने वाला है तो जनता पूछेगी क्या हुआ हमारे शमशान का, लेकिन साक्षी महाराज की बोली लगाई गई। साक्षी महाराज से आप प्रश्न कर रहे हैं, योगी जी से, मोदी जी से कोई प्रश्न कर नहीं रहा। देखिए सर, ये तो कल्चर का मसला हुआ ना कि अगर कब्रिस्तान है तो उनका ऐसा है, ट्रेडिशन है कि वो कब्रिस्तान में अपनी कब्र को, अपने जो मर जाता है उसके बाद उसके शव को दफनाते हैं, यहाँ पर जलाने की प्रथा है। तो सर इसमें आपका सोल्यूशन क्या है सर, ये कैसे, इसको कैसे आप मतलब काबू में करा सकते हैं? इसके लिए जगह जगह शमशान बनना चाहिए ना ग्राम पंचायत में, जलाएं कहाँ? जो आदमी, अब आपने यहाँ का आगरा के एक मसला सुना होगा, अब आपके चौहानों के ही शमशान पर एक दलित अपनी लाश जलाने के लिए गया था, वो वहाँ लाठी डंडा ले गए, लाश को भगाना पड़ा वहाँ से, वो लाश उठी वहाँ से, पुलिस को सक्रिय होना पड़ा उसमें। इसलिए प्रत्येक गांव में सरकार की तरफ से सामूहिक दाह संस्कार होना चाहिए। जैसे अगर दिल्ली में दाह संस्कार न हो, कब्रिस्तान तो उनके हैं, दिल्ली में दाह संस्कार न हो तो ये कहाँ जाएंगे? निगमबोध घाट किस लिए बनाया गया है और कितने शमशान दिल्ली में? ऐसे ही हरेक ग्राम पंचायत स्तर पर, चाहे छोटा ही हो, उनको तो गाड़ने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, हमें छोटी चाहिए, पर छोटी जगह चाहिए लेकिन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शमशान होना ही चाहिए। इसलिए मैंने कहा गांव सभा में अगर कब्रिस्तान हो तो शमशान भी होना चाहिए, और मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। इस पर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, या अगर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ से बात करी है इस पर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री योगी जी को भी उनके वचन, उनके भाषण याद दिलाए हैं, और योगी जी से भी तो मैंने मंच पर खुलेआम कहा है। मेरे अभी बांगरमऊ में आए थे, मैंने वहाँ पर कहा है ये 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे तो मुद्दा सामने आएगा, ये 2 मिनट का काम है, करिए। बदले में क्या मिला, आश्वासन? हाँ, आश्वासन तो मिला ही है, बाद बाकी काम होगा देखा जाएगा। सर ये जो आपका जिस बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बयान के आगे बढ़ते हुए आपने एक लाइन और जोड़ दी कि हिंदू जो है वो अपमानित महसूस कर रहा है और सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, तो ये किस सब्र की आप बात कर रहे हैं? अगर सब्र टूट जाता है तो क्या होगा, और सब्र कहाँ तक सीमित है? इस बयान का मुझे ध्यान नहीं है, और मैंने ऐसा कोई बयान मुझे नहीं लगता दिया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये बताइए सर, अभी एक चीज़ है बहुत चर्चा में है, बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने एक टिप्पणी की राहुल गांधी को लेकर अपनी किताब में। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी एक अयोग्य बालक की तरह हैं। इस पर कांग्रेस के जो बाकी नेता थे उन्होंने खुलकर कहा कि एक विदेश के नेता को इस तरह से देश के नेता पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये सर सही है इस तरह की टिप्पणी, या फिर आप समझते हैं कि उनकी जो उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है? और सत्य को सत्य कहना अगर अपराध है तो बराक ओबामा ने अपराध किया है। इस बात को मैं भी तो कहता था, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी ही पर्याप्त हैं। और जब मैं राहुल गांधी को पप्पू कहता था तो मेरे बात को फिर विवादित किया जाता था। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू हैं, जो साक्षी महाराज कहते थे तो फिर इसे दुनिया का विवाद खड़ा करना और बहस हो गई, हो गया। अब बराक ओबामा ने कह दिया तो बोले बाहर के आदमी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्य तो सत्य है, सूर्य निकलेगा कौन नकारेगा, रात्रि आएगी तो कौन नकारेगा। तो जो स्थिति राहुल गांधी जी की है उसके बारे में अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो सही टिप्पणी। तो आप इसको इस नज़र से देखते हैं कि आपकी बात पर मुहर लगा दी गई। ठीक है सर, एक बात और है जो मेरे जहन में है, वो ये कि सर आपकी जो मुखर शैली है बात करने की और बयान देने की, इसको लेकर कई बार आप विवादों में भी फंसे हैं। आप पे नोटिस भी दिया गया पार्टी की तरफ से, कई बार आप विवादों में भी फंसे।
सर इसको समझाइए कि कई लोग, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, उस पर मैंने जब बात की तो कई लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी का विकास का मॉडल है उसको आप कहीं ना कहीं डिरेल कर देते हैं सर। वो कैसे कि आप कोई बयान देते हैं तो विपक्ष के जो नेता हैं उस बयान को फ्रेम करके बताते हैं कि बीजेपी का पक्ष है। आपका व्यक्तिगत बयान ना बताते हुए बीजेपी का बता दें। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। वो अकल से पैदल लोगों को, आंखों से अंधे लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं एक धर्माचार्य हूँ, मेरे कई रूप हैं। मैं शिक्षण संस्थाएं चलाता हूँ, मैं एक धर्माचार्य हूँ। तो पहले मैं धर्माचार्य हूँ और एक्सीडेंटली राजनीति में हूँ, परंतु मेरा मानना है कि मोदी जैसा नेता भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। भारत के भाग विधाता हैं, संत पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। भारत की जनता का, भारत का कल्याण करने के लिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। और मैं जगह जगह अपील करता हूँ कि अगर ऐसा नेता तुमने गलती से हाथ से निकाल दिया तो फिर कभी भविष्य में ऐसा नेता मिलने वाला नहीं है। तो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का ही मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। मैं कतई ऐसा कोई प्रयास नहीं करता जिससे मोदी जी की छवि को कोई आघात लगे। एक बात बताइए सर, आपने बताया कि मोदी जी को छवि को कोई आघात ना लगे, ये बताइए देश में इस वक्त एक मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर भी इस पर बात हो रही है, लव जिहाद। ये बताइए लव जिहाद पर सबसे पहले तो आप अपना वर्जन बताइए कि आप इससे क्या समझते हैं, क्या बताना चाहते हैं इसको लेकर। मैं लव जिहाद पर राजनीति में आने से पहले से बोलता रहा हूँ। लव जिहाद के मामले में एक लिस्ट है कि अगर हिंदू की सरदार की लड़की को फंसाया तो 10 लाख रुपया, छत्री की लड़की को फंसाया तो 8 लाख रुपया। कहाँ कहाँ लगी है लिस्ट सर? अरे बहुत जगह लगी है, वो होता है, हमको जानकारी है। आप ये मन समझिए, मैं हिंदू नेता हूँ, मुसलमानों का भी नेता हूँ, मुसलमान मेरे बहुत भक्त हैं और मुसलमान आके मुझे बताते हैं क्या स्थिति है। और मुसलमान स्वयं मुखर होकर बोलने लगे हैं, वसीम रिजवी से बात करिए ना, वो बताएंगे सारी की सारी बात। और आप सारी डिबेट सुनते रहते हैं, अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं कहता हूं तो मेरी बात विवादित हो जाती है। अब चूंकि मुसलमान भाई भी उसे बोलने लगे, इसलिए अब मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जो बात बोलता था वो बात तो सब बोलने लगे। और जो मैं वो बात बोलता था भाई, तो योगी जी बोल रहे हैं, मानी अमित शाह जी बोलने लगे, तो अब मुझे बोलने की आवश्यकता है? मैं तो बेरोजगार हो गया, मैं क्या बोलूं? जो मैं बोलता था और जो मेरी बातें विवादित कही जाती, धारा 370 पे मैं बोलता था, मामले खत्म हो गया, मैं क्या करूं? मैं मंदिर पर बोलता था, मोदी जी ने मामले खत्म कर दिया, मैं क्या करूं? तो मैं तो बेरोजगार हो गया पूरी तरह से, मेरे पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा, एक ही रह गया जनसंख्या वाला। तो मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आएगा। तो देखिए सर, एक बात बताइए कि जैसे लव जिहाद पर अध्यादेश था, लागू किया गया था अध्यादेश, इसके बाद कल राज्यपाल ने साइन कर दिया, उसने कानून की शक्ल ले ली है। ये बताइए जैसे यूपी में कानून बन गया है, ठीक है, यूपी में कानून बन गया है, मध्य प्रदेश में बात चल रही है, हरियाणा में भी बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि पूरे हर प्रदेश में इस तरह का कानून लागू किया जाना चाहिए? सृष्टि के प्रारंभ से प्रेम विवाह होते रहे हैं, और प्रेम विवाह जो होते हैं, जो मैनेज विवाह होता है, उससे ज्यादा प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, अगर ईमानदार से प्रेम विवाह हो तो। मुझे याद है कि मैं एक जगह भवन में बैठा था और एक क्षत्रिय था प्रेम विवाह वाला, उसकी प्रेमिका को, उस पत्नी को किसी ने कहा थोड़ा पीछे हटो, तो बंदूक निकाले, बोले ये मैंने शादी की है प्रेम से, मेरी ऐसी पत्नी नहीं है, गोली मार दूंगा अगर मेरी पत्नी कुछ कहा तो। तो मतलब जब प्रेम विवाह होता है तो दो शरीर एक जान हो जाते हैं। लेकिन ये कैसा प्रेम विवाह लव जिहाद वाला, कि जितने भी लव जिहाद के माध्यम से शादी हुई या तलाक हुआ, अभी आप देख लीजिए जयपुर वाला मामला, या तलाक हुआ या लड़की मार दी गई या कुछ और हो गया। जयपुर वाला मामला, आप टीना डाबी की बात कर रहे हैं, जिस किसी का भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब मैं देख रहा हूँ ये जो लव जिहाद वाले मामले हैं उसमें से 1% भी मामला सफल नहीं होता। इसमें केवल हिंदुओं की लड़की को फंसा के उससे औलाद पैदा करके उनको आतंकी तैयार करना, वो केवल उसको औलाद पैदा करने की मशीन बनाना, ये काम है केवल, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर प्रेम विवाह हो तो प्रेम विवाह करने वाले मुसलमान तो हमारे यहाँ भी तो हैं, मुख्तार नकवी नहीं है क्या, शाहनवाज हुसैन नहीं है क्या, कौन आलोचना करता है, कौन क्या कहता है, और नहीं है दर्जनों गिना सकता हूँ, लेकिन वास्तव में इंसान है जो अगर कोई वास्तव में सही करे, जिसकी नीयत ठीक हो, जिसकी नीयत ही ठीक नहीं है, तो लव जिहाद ये जिहाद का एक अंग है, लव के हिसाब से जिहाद,
पूरब से पश्चिम, सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस्लाम का झंडा बुलंद करना, इसका वो तो जिहाद की परिभाषा कुछ और ही बताते हैं सर। और उनके कहने से क्या होगा, लेकिन हमने तो कुरान के कुछ पन्ने हमने भी पढ़े हैं, लोग हमसे भी समझाते रहते हैं जिहाद का क्या अर्थ है, हमने अच्छी तरह से पढ़ा सुना समझा है। रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है आपने, कुरान के भी कुछ बिंदु हमने पढ़े हैं, और हम समझते हैं, हम पूछते हैं जब हमारे पास बड़े बड़े मुसलमान आते हैं और वो स्वीकार करते हैं कि स्थिति क्या है। एक मामला और हमारा विवादित चला, हमने कहा मदरसों में आतंकी पैदा किए जाते हैं, और फिर हमने नहीं कहा, सैकड़ों मुसलमानों ने कहा, मोदी जी ने अलग रूप से कहा, मोदी ने कहा वहाँ से IAS IPS निकलने चाहिए, इंजीनियर निकलना चाहिए, योगी जी ने भी कहा पढ़ाई ठीक होना चाहिए, वहाँ क्या पढ़ाई पढ़ाई जाती है केवल आतंकी बनाने के अलावा, आप काहे को नहीं इंग्लिश पढ़ाते, आप क्यों नहीं दूसरी भाषाएं पढ़ाते, उन्हें IAS IPS तैयार क्यों नहीं करते। और बड़ी बात ये कि कोई भी पढ़ा लिखा IAS अधिकारी IPS अधिकारी पैसे वाला मुसलमान अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाता है, विदेशों में पढ़ाता है। अगर मदरसा बहुत अच्छे हैं तो ये बैन लगना चाहिए कि बड़े बड़े जैसे मुसलमान हैं IAS अधिकारी उनके बच्चे मदरसे में पढ़े, बाहर क्यों पढ़ते। तो ये स्थिति आप समझिए ना, पूछिए ना क्या स्थिति क्या है। मैं इस पर भी आप पर आऊँगा, लेकिन आपके एक जवाब ने एक सवाल की शक्ल ले ली है। आपने जयपुर का जिक्र किया, टीना डाबी वाले मामले में एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है, दोनों के बीच में बात बनती नहीं बनती, तलाक की अर्जी डाली जाती है, ये लव जिहाद कैसे हो जाता है सर, ये बताइए मुझको कि अगर ननकू है वो शुक्ला ना होकर अगर ननकू खान है और वो सुषमा से प्रेम करता है, शादी हो जाती है, ये लव जिहाद कैसे हो सकता है सर। उसका मैं नहीं कहता वो लव जिहाद है, लेकिन लव जिहाद है कि नहीं है इसका उत्तर तो टीना डाबी दे सकती है। अच्छा, महज मुस्लिम लड़का होना और हिंदू लड़की होना तो लव जिहाद नहीं है ना सर। नहीं, ये तो मैंने कहा ना, नहीं है, मैंने अपने यहाँ का प्रमाण दिया कि नहीं दिया। अगर नियत सही हो, प्रेम हो, लव हो, जिहाद ना हो, लव होना लव मैरिज होना बात अलग है, लेकिन लव जिहाद होना बात अलग है, बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। तो अगर प्रेम विवाह है, मुसलमान लड़का हो या लड़की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लव जिहाद हो केवल इसलिए कि कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए किसी हिंदू लड़की को फंसाना है, उससे आतंकी पैदा करने हैं और लात मार के भगा देना है, वो लव जिहाद है। नहीं तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेम अगर सच्चा है तो धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब ठीक है सर, सच्चा है धर्म से कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, अभी आपने जिक्र किया था मदरसों का, मदरसों पर आते हैं सर वापस, मदरसों में ये बताइए सर, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ से आतंकी पैदा होते हैं, ठीक है सर, आसाम में आसाम की सरकार ने वहाँ पर मदरसों को बंद करने की बात कही है और साथ ही साथ वहाँ पर बिल भी लाया है, बंद करने की बात कहते हुए उन्होंने जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि इस पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा हायर एजुकेशन या किसी और तरह की एजुकेशन पे खर्च किया जा सकता है। आप सर ये कहना चाहते हैं कि मदरसे पूरे देश में बंद कर दिए जाएं और वो जो पैसा बचता है उसको और तरह की मॉडर्न एजुकेशन में यूज़ किया जाए। नहीं, मैं तो छोटी बुद्धि वाला आदमी हूँ, वो तो पूरी सरकार निर्णय लिया है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ सर, आप BJP के बहुत कद्दावर हैं, इसका मतलब सरकार निर्णय सही लिया होगा। तो वही बात माननीय मोदी जी ने कही, योगी जी ने कही, भाई हमारी पार्टी की सोच है कि मुसलमान भाई बहनों को भी मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिस मॉडर्न एजुकेशन से IAS निकलें, IPS निकलें, इंजीनियर निकलें, SDM निकलें, DM निकलें, जज निकलें, यही इच्छा हमारी सरकार की है। हमारी सरकार मुसलमानों को वोटर नहीं समझती, 70 साल तक कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल वोटर समझा और डराया, BJP आ गई तो खा जाएगी, अरे हम तो प्याज भी नहीं खाते, हम लहसुन भी नहीं खाते, हमको चाय से भी ऐतराज है, हम मुसलमानों कैसे खा लेंगे। लेकिन 70 साल तक कांग्रेस केवल मुसलमान को ये डरावा देती रही, अब मोदी आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी और साक्षी महाराज आ गए, BJP आ गई तुमको खा जाएगी, इन्हें नहीं पता कि हम तो लहसुन प्याज खाने वाले भी नहीं है। और जब मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जब मुसलमान भी हमारे साथ खड़ा हो गया तो विपक्ष की और कांग्रेस की सारी पैरों के नीचे की मिट्टी खसक गई। चौहान साहब आपको आश्चर्य होगा, मेरे क्षेत्र में 85% वोट मुसलमानों ने मुझे दिया है, आप सोच सकते हैं क्या, अगर मुझे दिया है तो फिर मोदी को कितना देंगे। अभी हमारे यहां बांगरमऊ में चुनाव हुआ और मोदी जी के सम्मान में मुसलमान ने यहां तो वोट दिया या वोट देने गया ही नहीं, कितना बड़ा परिवर्तन है। तो ये विपक्ष का रोना इसीलिए है, इसीलिए कुछ मीडिया वाले तैयार कर रखे हैं वो उल्टी सूधी बातें मोदी जी के बारे में, हमारे बारे में,
वो बयानबाज केवल मोदी जी को पीछे करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में करके ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है कि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। विकास की बात क्यों नहीं करते, ये हमारी बात को क्यों पकड़ते हैं? आप गैस सिलेंडर की स्थिति देखिए ना, क्या स्थिति थी। आप अपने आप तो मैंने सुना है फरक्काबाद के रहने वाले हैं, फरक्काबाद में समदनी मुसलमानों की 10-10 हज़ार की सभा मैंने की है। आप यूसुफपुर में चले जाइए ना, अब मुन्ना से समदनी में पूछिए ना, अब कामगंज में लड़का से पूछिए, लईक मियाँ से पूछिए, हजारों हजारों मुसलमान साक्षी महाराज के भक्त हैं इस देश में। मुसलमान भक्त भी हैं और मुसलमान वोटर भी हैं, लेकिन सर अगर हम जब सड़क पर उतरते हैं, वहाँ बात करते हैं, चाय की दुकानों पर बात करें या पान की दुकान पर जब बात करते हैं लोगों से, तो वो बताते हैं कि मुस्लिम जो वोटर है वो दरअसल महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो बीजेपी को वोट करती हैं। इससे आप सहमत हैं सर? नहीं, वो तो करती हैं, लेकिन मुस्लिम भाई भी बड़ी मात्रा में वोट करते हैं, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी हुई है। मेरे उन्नाव में मुसलमानों ने दिल खोल करके मुझे वोट दिया और कई जगह तो ये कहा कि साहब हमारा गांव सहमत है पूरा का पूरा, अगर आपको हम पर विश्वास न हो तो अपने आदमी से कहो, हम एक एक आदमी खड़ा करते जाएंगे, आप वोट डलवा लीजिए। हमने कि आपका इतना बड़ा जब सहानुभूति है तो हमें पूरा का पूरा विश्वास है, अविश्वास का कोई कारण नहीं। इतनी बात कहने के बाद आप वोट नहीं देंगे तब भी हमको विश्वास है, लेकिन मुसलमानों ने स्वयं कई गाँव सभा मुसलमानों की हमारे यहाँ हैं, अजय रहमान हमारे यहाँ हैं, प्रधान हैं, सारा का सारा वोट उन्होंने हमको दिलवाया, तो मुस्लिम भाई भी वोट देते। लेकिन सर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि साक्षी महाराज जो है वो मुसलमानों को देश के लिए खतरा मानते हैं, ऐसा है कुछ? जो जिहादी हैं, जो आतंकी हैं, जिनकी कट्टर सोच है, वो देश के लिए नहीं दुनिया के लिए खतरा है। और बात साक्षी महाराज नहीं कह रहे, ये तो अमेरिका भी कह रहा है, ये तो चीन भी कह रहा है, ये तो म्यांमार भी कह रहा है, ये मोदी जी भी कह रहे हैं। और मोदी जी ने सारे विश्व से आह्वान किया है इस देश को आतंकियों से बचाना है। तो आतंकी सोच वाले जो हैं, आप पत्रकार अच्छे हैं, आपको पता होना चाहिए, अब तक सारे विश्व में लगभग 33 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है, 33 लाख। उन 33 लाख मुसलमानों में से एक भी बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने, साक्षी महाराज ने, बीजेपी ने नहीं मारा। उनको मारने वाले वही कट्टरबंदी लोग हैं। और कितने लोग मारे जा रहे हैं अभी पाकिस्तान में, हम नहीं मार रहे, वही मार रहे हैं। इसलिए ये आतंकी भारत के लिए नहीं, कश्मीर के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए खतरा है। सारे विश्व के नेताओं को, राष्ट्राध्यक्षों को हमारे मोदी के साथ खड़ा होकर के इन आतंकियों से विश्व को बचाना पड़ेगा, देश को नहीं। देश को बचाने के लिए हमारे योगी जी, मोदी जी लगी गए, अमित शाह जी लगी गए। आपसे लेकर आपकी सरकार खुलकर आतंकवादियों के खिलाफ बोलती रही है और बोलती आ रही है। सर ये बताइए, अभी 26/11 की बरसी निकली है, ये बताइए सर, हिंदू आतंकवाद या हिंदू टेरर जैसे शब्द जो गढ़े गए, जो कांग्रेस ने दिए, ऐसी कहावत है, ये सर बताइए इससे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? ये कुछ है ऐसा शब्द हो सकता है? ये शब्द हमने नहीं गढ़े, ये कांग्रेस की बात, ये कांग्रेस ने हिंदू समाज को, साधु महात्माओं को बदनाम करने के लिए हिंदू कट्टरवादी, हिंदू आतंकवादी जैसे शब्द केवल गढ़े ही नहीं, हिंदुओं के धर्मचारियों को जेल में बंद भी किया, उन्हें प्रयास भी किया, और उसके बाद माननीय न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू सर्वे हंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसमें विश्वास करता है। इकलौते विश्व में हम हैं, इकलौते, हमारी तरफ देखिए, इकलौते हम हैं भारतवासी जो अपने मंच से कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हमारे महर्षि दयानंद विवेकानंद ने कहा था, कृणवंतो विश्वमारियम, हम विश्व को श्रेष्ठ करना चाहते हैं। हम संकीर्णता वाले व्यक्ति नहीं है, हम लोग तो चाणक्य के शिष्य हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। हम इस परंपरा के, तो ये जो हिंदू टेरर वाली बात आती है, कांग्रेस के छोटे नेता बड़े नेता कहीं ना कहीं से तो निकल कर आती है, आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं से नफरत करती है? कांग्रेस प्रारंभ से ही हिंदुओं से नफरत करती है, लेकिन राहुल गांधी तो और देश का बंटवारा उसी नफरत का कारण हुआ। इस कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया, बंटवारा कराने के बाद भी
कोई निस्तारण नहीं हुआ। कांग्रेस ने, कांग्रेस कश्मीर की, कश्मीर भी कांग्रेस की ही देन थी, तो कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया। कांग्रेस ने महाराणा प्रताप के बारे में तो नहीं बताया, शिवाजी के बारे में तो नहीं बताया, शहीदों के बारे में तो नहीं बताया। अकबर महान था। किताबों की बात कर रहे हैं? हाँ, किताबों की बात कर रहा हूँ। क्यों कि सब वही तो एजुकेशन मिनिस्टर होते रहे, तो उल्टा सीधा सारे का सारे लिखते रहे। इस देश का इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए, मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, तो वो तो किताबों में भी कोर्स जो है बदला जा रहा है, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, यहाँ तक कि जगहों के नाम भी बदले जा रहे हैं। बदले भी जाने चाहिए। तो सर, अगर वो नफरत ही करते हैं तो राहुल गांधी तो कभी जनेऊ डाल के मंदिर में दिखते हैं, कभी शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे होते हैं, तो ये क्या है, ये दिखावा है? ये तो गिरगिट भी शर्मा गई राहुल गांधी के आगे। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है। कभी तिलक लगा लेंगे, कभी दुपट्टा ओढ़ लेंगे, कभी क्रास गले में डाल लेंगे। वो गंगा पे गंगादास, जमुना पे जमुनादास, वो इस प्रकार के अपना जो नाटक करते हैं, उस नाटक को दुनिया जान गई है, भारत जान गया है, उसका परिणाम है। तभी मैंने आपसे कहा कांग्रेस को समाप्त करने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी पर्याप्त। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएं कांग्रेस के? अध्यक्ष रहें, सुप्रीम रहें, सर्वे सर्वा रहें, वही सब कुछ रहें, हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीजेपी को किसमें फायदा दिखता है कि कांग्रेस का गांधी परिवार से अलग हटके कोई नेता अध्यक्ष बने या फिर राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, किसमें आपको अपना फायदा दिखता है? नहीं, हमारे फायदे से नुकसान से कुछ नहीं है। वहाँ तो गांधी परिवार के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, एक परिवार की पार्टी है और सभी कांग्रेसी एक परिवार के गुलाम हैं। चलिए, अच्छा, आप सरकार में हैं, आपसे एक सवाल वाजिब है जो जरूर पूछना चाहिए। हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं अभी, यहाँ से कुछ ही दूर पर किसान हैं जो पंजाब से हैं और हरियाणा से हैं। बॉर्डर पर जद्दोजहद के बाद अब वो निरंकारी ग्राउंड में बैठे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। उनका बस एक कहना है कि उनको भरोसा नहीं है, ना मोदी जी पर भरोसा है, ना उन्हें कृषि मंत्री के किसी बात पर भरोसा है। वो कह रहे हैं आप लिख कर दे दीजिए, आप सरकार में हैं, आप उनकी बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा देते? अब आप सुनिए, इस देश में एक प्रधानमंत्री होता था राजीव गांधी, वो कहते थे हम तो एक रुपया भेजते हैं, 85 रुपया तो रास्ते में खर्च हो जाते, 15 पैसे पहुँचते, 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते, 15 पहुँचते हैं। ये भारत का भाग्य विधाता नरेंद्र भाई मोदी ऐसा प्रधानमंत्री बना, इसने कहा हम एक रुपया भेजेंगे। तो जैसे किसान कल्याण निधि है, जब वो सीधे किसान के खाते में जाने लगे और किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प ले लिया, और मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो कुछ करती है किसानों के हित में करती है, तो विरोधी इससे बौखला गए कि सारे के सारे मुद्दे चले गए। अब किसानों को तो जो कुछ, अब हर एक संगठन में विभिन्न पार्टियों से संबंधित लोग होते हैं, तो ये जो किया जा रहा है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। माननीय अमित शाह जी ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है, आप शांति का माहौल बनाइए, एक जगह बैठ जाइए, हम आएंगे, सरकार आएगी, आपसे बात करेंगे। आप शोर मचाना चाहते हैं, आप बात करना नहीं चाहते। हम कहते हैं किसानों के हित का बिल है, आप कहते हैं किसानों के लिए काला कानून है। बैठ के चार आदमी को इतनी बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए, उसमें से एक दर्जन आदमी प्रतिनिधिमंडल बैठ करके कहीं बात करे, सरकार बात करने के लिए तैयार है और सरकार उनको संतुष्ट करेगी। कैसे आपके लाभ की बात है, संतुष्ट नहीं करेगी तो जो कहेंगे सो करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के हित की, और आप हमसे मत पूछिए। अभी मैंने अपने उन्नाव में कुडीना एक जगह है, एक श्रीकांत तिवारी को फ़ोन किया, उनका फ़ोन आता रहता था, तो कोई काम बताया, मैंने साहब ये काम तो हो नहीं। बोले जो काम हो ना हो, आप ना करें, विधायक जी ने करें, ना हम आपको जानते हैं ना विधायक को जानते, हम तो मोदी जी को जानते हैं, हमने मोदी को वोट दिया, जब तक जिएंगे तब तक हमारा पूरा काम मोदी को वोट देते रहेगा, काम हो ना हो। अब लोग इतने मोदी के दीवाने हैं, जो पार्टी कभी शहर की पार्टी कहलाती थी आज वो गांव की पार्टी हो गई, गांव वाले शहर से ज़्यादा उस पार्टी को स्वीकार करने लगे। दिल्ली ने साथ नहीं दिया उतना जितना गांव साथ दे रहा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ केजरीवाल जी बने बैठे। तो ये स्थिति ऐसी हो गई, पूरे ऐसा जादू सिर चढ़ करके मोदी जी का सारे देश में बोल रहा है। अब विपक्षियों के पास खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। आपने कहा कि किसान हंगामा कर रहे हैं, अगर सर किसान हंगामा करते ही नहीं तो ये बयान ना कृषि मंत्री का आता ना ही अमित शाह जी का आता कि हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर ये बयान पहले ही दे दिया होता तो पंजाब से हरियाणा से किसान निकलते ही क्यों? बयान पहले ही दिया, लोकसभा में दिया, बिल लाने से पहले दिया, पूरी बहस हुई और बताया
ये कैसे किसान के हित में है। उसके बाद माननीय अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हम सब सांसदों से कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और जा करके जगह जगह चौपाल लगा के किसानों को बताइए ये के बिल कैसे उनके हित में है। हमने बताया, कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ लोगों ने बरगलाया होगा, हम क्या करें। आप समझाने में विफल रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं जानकारी नहीं उठ रही, ये सब पंजाब से ही क्यों हो रहा है, हरियाणा से भी हो रहा है सर। इसलिए पंजाब से हो रहा है, और हरियाणा में भी तो कांग्रेस है, हुड्डा जैसे लोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश वेस्ट तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पुट दिखाई देता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश वेस्ट के भी किसान कूच कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं सर? बताऊं ना आपको, कहीं ना कहीं आंदोलन में राजनीतिक पुट भी होता है, लोग मोहरा बना लेते हैं किसानों का, विद्यार्थियों का, इसका उसका, अपने अपना उल्लू सीधा करते हैं, तो इस प्रकार से मैं इसे उचित नहीं समझता। आप बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और सरकार में भी हैं, अगर आप किसानों से एक बात कहना चाहें उनको समझाने के लिए, तो आपका क्या मैसेज हो सकता है किसानों के लिए सर? मैं किसानों से निवेदन करूंगा, करवद्ध, मैं भी किसान का बेटा हूं, ज़्यादा तो नहीं पर मैं करीब 100 बीघा जो खेत का जोता हूँ, मेरी भी खेती होती है और वहीं से आया हूँ, तो मैं किसानों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आंदोलन का रास्ता छोड़ के एक प्रतिनिधिमंडल अगर मेरा उपयोग करना चाहे तो मेरा भी उपयोग हो सकता है, माने अमित शाह जी के साथ बैठे। आपसे संपर्क कैसे करेंगे, आपका उपयोग करना चाहेंगे तो आपका संपर्क? बुलाए, आप चले आए मेरे दरवाजे में, किसी ने रोका नहीं आपको, तो मेरा 38 नंबर गुरुद्वारा रकावगंज रोड है, मेरे कोई संपर्क कर सकता है, और बहुत किसान नेता मेरे संपर्क में भी है, तो आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और किसान, मैंने जब, मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और आज भी कृषि करता हूँ, तो मुझे किसानों से मिलने में कोई परेशानी तो है ही नहीं। किसान नेता आपके संपर्क में, आपने उनको समझाने की कोशिश की कि आपकी बात को आगे और बढ़ाया जाए? उसमें कई गुट हैं, जो लोग मेरे संपर्क में, मैंने उनको समझाया, समझे, वो कहीं सहभागी नहीं बने। आपने कहा कि मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो किसानों के खाते तक 1 रुपया पहुँच रहा है, तो अगर भेजते हैं 2000 पूरा कटक से पहुँच जाता है, और आगे 2000 रुपये वो गाते फिरते हैं पूरे गाँव में, अगर पैसा पहुंच ही रहा है तो फिर किसान इधर क्यों पहुंच रहे हैं? अब पता नहीं, ये तो मैंने बताया ना, कुछ न कुछ तो दाल में काला है, पैसा तो पहुंच ही रहा है, और पैसा पहुंच रहा है तो आप अगर बहुत बढ़िया स्टोरी बनाना चाहें तो किसी गांव में जाकर स्टोरी बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा जी। बिल्कुल सर, ये बताइए 370 चेक, राम मंदिर बन रहा है, अब अगला एजेंडा क्या है आपका, पार्टी का अगला एजेंडा क्या है बड़ा? क्या ये मैं नहीं जानता? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पर आप बात करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल, पार्टी से हमने करीब 150 सांसदों ने लिख के पार्टी को दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया है, तो हमारा मानना यह है कि जनसंख्या इस देश के लिए अभिशाप है, जमीन संकुचित होती चली जा रही है। जनसंख्या अभिशाप है तो आपका सबसे बड़ा जो विवादित बयान रहा है वो ये रहा है कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो वो जो बयान था फिर वो इससे तो काउंटर कर रहा है ना सर? नहीं, मैं 4 बच्चे की बात नहीं करता, मैं करूँ 40 बच्चे नहीं होने चाहिए, बच्चे सरकार बना दे, 4 बना दे, 3 बना दे, 2 बना दे, 1 बना दे। आपको आश्चर्य हो, हम 4 भाई हैं, 4 में से 1 ने शादी की थी, हम तो कुंवारे, हम तो कोई इनाम ही नहीं मिला, हम 3 भाई कुंवारे हैं, हमको तो पुरस्कृत करना चाहिए, पद्मश्री देना चाहिए हमको, तो अगर हम तीन और शादी कर लेते तो आबादी बढ़ जाती, नहीं बढ़ जाती, तो हम जैसे लोगों को अगर सम्मानित किया जाए तो कुछ लोग हम जैसे और निकलेंगे, तो जो लोग इस प्रकार में काम कर रहे हैं उनको तो सम्मानित किया जाना चाहिए। तो मेरा कहना केवल ये था जनसंख्या को लेकर के, कि ये जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह बढ़ाए चली जा रही है, इसको रोकने की आवश्यकता, जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली, लोग रहेंगे कहाँ, तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत आवश्यक है। जी सर, मैं जब यहाँ पर आया, ये आपका दफ्तर है, ठीक है सर, दफ्तर है यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा कुछ तस्वीरें अगर आपको दिखा सकें तो, तस्वीर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत माता की तस्वीर है, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर है, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री उनकी तस्वीर है, हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, अमित शाह जी की तस्वीर है, और साथ ही साथ हेडगेवार जी की तस्वीर है, और उसके बाद गोलवालकर जी की तस्वीर है। एक तस्वीर जो कुछ अलग है वो ये है, ये आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर में जो सबसे अलग चीज़ जो मुझे देखने को मिली जब मैं यहाँ आया वो था यहाँ पर ये नाम, सप्रेम भेंट मतीन खान, पूरे दफ्तर में एक तस्वीर है, उस तस्वीर में लिखा हुआ है मतीन खान, ये क्या तस्वीर है, इसमें आपको किसने भेंट करी, ये पूरी जानकारी हमको बताइए सर। साहब, मुझे वैसे, मैं स्वयं बैठता हूँ तो मुझे अपनी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए,
पर ये तस्वीर इसी लगाई कि मतीन खान नाम का हमारा भक्त है, मुंबई में मेरे नाम से बिजनेस करता है और मेरे नाम के कारण जैसे किसी को हनुमान जी फलीभूत हो जाते, किसी को दुर्गा फलीभूत हो जाती है, शायद उसे मेरा नाम फलीभूत हुआ होगा। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये 370,000 का फोटो है, इसमें सोने का काम है और मतीन खान नाम के हमारे भक्त ने ये मुंबई से हमारे पास गिफ्ट में भेजा है। और उससे बड़ी बात यह है कि मतीन खान ने आज तक मुझे नहीं देखा, मैंने मतीन खान को नहीं देखा। तब आप ये कह रहे हैं ये जो तस्वीर है जिन्होंने दी है आप दोनों एक दूसरे को देखा नहीं आज तक, नहीं जानते? अब तक नहीं देखा है मैंने, लेकिन वो मेरा कर्रा भगत है, मैं उसका शुभचिंतक हूँ और जिस दिन वो मुझे मिलेगा तो क्या देगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत बड़ा भक्त और ऐसे भक्त मेरे, अभी एक दुबई से मेरे भक्त आए हैं कि रहने वाले, मुझे घड़ी देकर गए तो मैंने कहा मैं तो घड़ी नहीं पहनूंगा, अरे बोले नहीं आपकी ये घड़ी उतारिए और आप ये घड़ी पहनिए। फिर मैंने उसका पता लगा इंटरनेट पर, घड़ी 6.5 लाख रुपए की घड़ी थी। तो मुसलमान मुझे 6.5 लाख की घड़ी दे के जा रहे हैं, कितने मुसलमान मेरे भक्त देश में हैं, पर मेरी आप जैसे क्षमा करिए मीडिया वालों ने मेरी इमेज इतनी ख़राब कर रखी है कि साक्षी महाराज मुसलमान विरोधी है। मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो गलत है उसका मैं विरोध करता हूँ, सही है उसका मैं समर्थन करता हूँ। सर ऐसा है मीडिया तक नहीं, कुछ लोगों में भी इसी बात की चर्चा होती है कि आप शायद मुसलमान विरोधी हैं, अपने बयानों को लेकर ऐसा आता होगा, लेकिन जब मैं आपके दफ्तर में आया तो मेरे को तब लग रहा है कि ऐसा नहीं है, काफ़ी आपके शुभचिंतक भी हैं, काफ़ी आपके समर्थक भी हैं, काफ़ी आपके वोटर भी हैं। जी सर, मैं भोपाल जाता हूँ तो उमा जी मुख्यमंत्री थी, मैं भोपाल गया तो मंसूर कमाल हमारे भक्त हैं और मोहम्मद रजा और लईक मियाँ 3-4 लोग हमारे हैं, तो उनके साथ में गया, वही मुझे गाड़ी पर लेने आते हैं, उनके घर खाता हूँ और उनके घर ही मेरे कपड़े धुलते हैं। तो उमा जी ने कहा कि साक्षी जी हिंदू नेता तो आप थे, मुसलमान नेता कब से बन गए? तो उनको भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं सारे देश में मेरे जैसे मैंने आपको को मैंने भोपाल की बात बताई, सारे देश में मुसलमानों की बड़ी संख्या मेरे साथ है, मेरे भक्त हैं। मैं यहाँ एक बात कह सकता हूँ मुसलमानों से, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, ये फैसले तो दूरियाँ बढ़ाते हैं, ये फैसले दूरियाँ, जो मेरे पास आ गया बैठ गया मुसलमान वो मेरा हो गया। बहुत खूब सर, यकीनन इससे मुसलमानों को आपके प्रति जो है प्यार बढ़ेगा। सर एक सवाल अब ये है कि आप दिल्ली में हैं, आपकी संसदीय सीट है उन्नाव, सर उन्नाव के लिए आपने क्या किया और उन्नाव के लिए आगे आप क्या सोचते हैं, उसको बेहतर उन्नाव कैसे बनाने के लिए आपका मॉडल क्या है? सर सब दिया है मेरे सपनों का उन्नाव, एक तो मैं सप्ताह में एक दिन उन्नाव में देने का प्रयास करता हूँ हर शनिवार, शनिवार नहीं जा पाता तो दूसरे दिन जाता हूँ, जैसे मैं आज जाऊँगा, कल परसों 1-2-3 दिन वहाँ रहूँगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्नाव की जनता का किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूँ। 2014 में बाहर से गया था पर सामने वालों की जमानत जब्त करके वहाँ की जनता ने मुझे सांसद दिया, और इस बार लोग पार्टी को बरगड़ा रहे थे जमानत जब्त हो जाएगी, टिकट बंद दीजिए, कहीं इस तरह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मुझे पार्टी ने मुझसे विश्वास व्यक्त किया, पार्टी का बहुत धन्यवाद, पार्टी ने सीमा से ज़्यादा मुझे दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है पार्टी का धन्यवाद करने के लिए। पर 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं, इतना बड़ा इतिहास उन्नाव की संसदीय सीट पर, जब से देश आज़ाद हुआ है किसी को इतने वोट मिले ही नहीं जितने वहाँ की जनता ने मुझे वोट दे दिए, इतिहास बना दिया है। और उस इतिहास को मैं भी उसे नहीं उसे आगे काट पाऊंगा, मुझे पता है, मुझे डर लग रहा है, इतने वोट दे दिए। तो मैं जितना वहाँ कर सकता हूँ, NH 25 मेरे यहाँ से होकर निकलता है, उसकी कमियाँ सारी पूरी की मैंने, एक राजमार्ग था उसको NH 31 बना करके उसका मैं काम करा रहा हूँ। हमारे यहाँ खूनी पुलिया थी, रोज 1-2 एक्सीडेंट होते, लोग मरते थे, उसका नाम ही खूनी पुलिया था, जनता की अपेक्षा थी, तत्काल उसको ठीक कराया, गैस की सारी समस्याओं को दूर किया। मैं जब वहाँ गया 2014 में तो बिजली आती नहीं थी और इटावा में बिजली जाती नहीं थी, तो मेरा स्लोगन था कि मुझे सांसद बना दो तो सैफ इटावा वाले बिजली के तारों को काट के मैं उन्नाव के फीडर में जोड़ दूंगा, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा पावर हाउस हमारे यहाँ दही चौकी उन्नाव में है, बिजली वहीं बनती है, पर चली जाती रायबरेली, चली जाती इटावा, चली जाती सैफई मैनपुरी,
पर उन्नाव में बिजली नहीं थी। कई बार हमको चुनाव में रात रात में छत पर काटना पड़ा, जनरेटर भी फेल हो गया, इन्वर्टर फेल हो गया, बिजली थी नहीं। अब बिजली 24 घंटे मिलती है सारे प्रदेश में। ये हमारी सरकार की, योगी जी की, मोदी जी की मेहरबानी है, कृपा है। तो कितने काम गिनाए, ऐसा कौन सा काम जो नहीं हुआ? इतने काम किए, इतने काम किए, इतने विकास के काम किए कि सारे देश में स्थिति बड़ी इतनी सुंदर बन गई है कि लोग सब मोदी के योगी दीवान हो गए। स्थिति सुंदर बन गई है। 2022 में अगला जो बड़ा चुनाव है वो यूपी में है, ठीक है सर। अखिलेश यादव अभी भी कहते हैं कि उन्हीं का काम बोलता है और जो सरकार में, जो भी सत्ता में है, इनकी कुर्सी छिनने वाली है। 2022 का क्या दृश्य होने वाला है सर, पूरे चुनाव का? इसका काम बोलता होता तो 2017 में उनके प्रत्याशी जमानत जब्त न करा बैठते। अखिलेश का काम बोलता होता तो उपचुनाव में जो सीट उनकी थी वही जीत पाए, सब जमानत जब्त न करा बैठते। अखिलेश का काम बोलता है तो नाई नाई बाल कितने बोले बेटा भी सामने आ रहे, तो 2022 आने ही वाला है, पता चल जाएगा अखिलेश का काम बोलता है कि योगी का जादू बोलता है। अपना कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, बहुत अच्छा लगा आप आए। और मैं आज मुझे पता चला कि आपका नया नया चैनल शुरू हुआ है, तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत पूरी टीम को, आपको और आपके मालिक को, सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार से जन जागृति की बात करते रहिए, समाज को नई दिशा देते रहिए। हम लोग अगर भटकते भी हैं तो मीडिया सही रास्ते पर डालने का काम करती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज जी। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।